बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस राखी सावंत फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल राखी सावंत ने हाल ही में अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लिया है, वो भी अपनी शादी को लेकर। दरअसल राखी ने जब शादी की थी तब अपने पति देव से किसी को नहीं मिलवाया था, लेकिन बिग बॉस 15 में वो रितेश के साथ घर में पहुंची और दुनिया को उनसे रूबरू करवाया। अब राखी ने अपने पति रितेश से अलग होने का फैसला लिया है। जी हाँ, राखी ने रितेश का साथ छोड़ दिया और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर राखी सावंत ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर अपने और रितेश के अलग होने की जानकारी फैंस को दी है। एक्ट्रेस के मुताबिक उन्होंने अपने और रितेश के बीच परेशानियां खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई और इसी वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। पोस्ट शेयर कर राखी ने लिखा, सभी फैंस और मेरे प्रियजन, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मैं और रितेश एक दूसरे से अलग हो गए हैं। बिग बॉस के बाद बहुत कुछ हुआ और कई चीजें ऐसी हुई जो मेरे कंट्रोल से बाहर थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में यही फैसला किया, हम दोनों अपनी लाइफ अलग अलग बिताएंगे। आगे राखी सावंत ने लिखा, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि ये सब वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पहले हुआ, लेकिन फैसला तो लेना ही था। उम्मीद करती हूँ कि रितेश के साथ सब अच्छा हो। मुझे अभी इस वक्त अपने काम पर फोकस करना है और अपने आप को खुश और हेल्दी रखना है। आप सभी का मुझे समझने और सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। राखी सावंत। राखी के इस पोस्ट पर लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स को राखी को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, रिश्ता खत्म। अन्य ने लिखा, अरे इतनी झूठी कैसे हो सकती है। एक यूजर ने लिखा, भाड़े का पति था बिग बॉस के लिए, अब बिग बॉस खत्म तो रिश्ता खत्म। एक यूजर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, बंद करो ड्रामा, भाड़े का पति था वो। अन्य यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये तो होना ही था। एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ड्रामे से। बता दें कि बिग बॉस 14 में राखी ने कहा था कि वो शादीशुदा हैं और इस बार के सीजन में उन्होंने पति के साथ घर में एंट्री ली। शो खत्म होने के बाद राखी अपने पति के साथ कई इवेंट्स और पार्टी में भी पहुंची। खैर, आप राखी के इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। यहाँ पे आके भी बिग बॉस की ही बातें चल रही है, सब ट्रॉफी कोना पकड़े हुए हैं, शमिता के बर्थडे में आए हैं, सब कोने में रश्मि, मैं, राजीव, उमर, ईशान, जितने भी सब लोग हैं, प्रतीक, सब, नेहा, हम सब लोग बिग बॉस की ही बातें कर रहे हैं अंदर। और इतना मज़ा आया बर्थडे में, इतना इन्जॉय किया मैंने तो बिग बॉस के बाद। क्लासी फूड जिसे कहते हैं यहाँ पे खाया है। शिल्पा जी तो हॉट लग रही है, राज कुंद्रा जी और हॉट लग रहे हैं। बाय, सी यू। शमिता, आई लव यू सो मच, यू आर ब्यूटीफुल सोल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस जल्दी से शादी की मिठाइयाँ खिला दो और बस तुम्हारी शादी में आके नाचना चाहते हैं हम। बोलिए, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया है और बहुत इन्जॉय किया। और आपका बिग बॉस कुछ क्लासी फूड बहुत अच्छा खाया है हमने, और अभी मैं बेहोश होने जा रही हूँ। अभी मैं बेहोश हो जाऊंगी घर जाके, क्योंकि इतना खा लिया है मैंने। अब बिचकुलों का हमने केक बना के खा गए। ये जो रेसिपी थी ना केक में, थोड़ा वर्कआउट आपका राखी जी, आपका मूड ऑफ लग रहा है आज। क्या हो गया? ज्यादा वर्कआउट हो गया आज। तो क्या हो गया आज आपको? क्या हो गया राखी जी? नया गाड़ी ले रहे हैं, बुलाए नहीं हमको। कौन ले रहा है? कल गए थे शोरूम में देखने गए। अच्छा, हमको बोले नहीं, हम भी आ जाते थे। अरे नहीं, देखने जाते तो थोड़ी ना, मैं थोड़ी किसी को बुलाती हूँ गाड़ी देखने, मैं जा रही हूँ, आ जाओ मीडिया, वो आप लोग ही पहुँच जाते हो, मैं थोड़ी बुलाती हूँ किसी। अच्छा, कभी ले रहे थे? गाड़ी देखने गई थी, लेने नहीं गई थी। अभी वैलेंटाइन, आई एम नॉट श्योर, अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, रितेश सर के साथ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, इतने अच्छे नसीब नहीं है।
कि वैलेंटाइन मनाऊं मैं। इतने अच्छे तो पति है आपके नितेश जी। किशन भी आया आज। क्या हो गया मैडम आज आपको? बहुत नर्वस लग रहे हो आप मैम आज। उन्होंने खुद को चुनवा दिया है। उन्होंने जो बोला काफी गलत बोला आप। मेरे सलमान जी के लिए कोई भी इस दुनिया में कुछ भी बोलेगा ना उनकी राखी सावंत बैंड बजा दी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।